गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर, अब बहुत सारी करेंगे शॉपिंग। ब्लैक कलर, ये कलर तो तू कहीं रहा था देखने के लिए, ये देख ले, ये ब्लैक ब्लैक भी बहुत प्यारा लगेगा, कलर भी सही है। हाँ तुझ पे सूट करेगा। शॉर्ट एरिया मैम, आज ना हमारा लग बहुत खराब है, MCD वाले बार बार आ रहे हैं। इतने वाहियात छोले कुलचे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पता पैसा वेस्ट। ये कौन सा साइज है? स्मॉल। और ये ली थी सादिक ने H&M से ये पैंट, और ये ली है H&M से सादिक ने टी शर्ट ये वाली। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली ब्लॉग्स। मैं हूँ आप सबकी प्यारी इकरा। मैं हूँ महविश। और कैसे हो आप सब? तो गाइस अभी मैं, महविश, आपकी भाई मेरा और अर्श जीजू, हम चारों जा रहे हैं सरोजनी नगर शॉपिंग करने के लिए। हाँ हम नींद में, अभी मैं पता है हम 8 बजे उठ गए शादी में, वो भी अलार्म से बिना किसी के उठाए, हम पता नहीं आज कैसे उठ गए। अवार्ड दे दो इस बार। हाँ डैडी तो खुश, डैडी कह रहे क्या आज तो मैं हमारे बिना बताए वो मतलब कहे उठ गए, क्योंकि एक एक दो दो बजे सो के उठते हो तुम, आज सुबह अपना काम पड़ा था तुम 8 बजे उठ गए। तो हम उन्हें शादी कर में आए हैं अभी आप्पे के घर, और अब 11:13 हो गए, शादी आ रही है आपको पता है मेरे भाई की, तो शादी कह रहे थोड़े से मैं कपड़े लेके आ जाता हूँ। तो चलो यार जल्दी से सरोजनी नगर चलते हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, चारों इंजॉय करते हुए जाएंगे। ओके ऐसे कंटिन्यू बने रहना, बहुत मजा आने वाला है आज, जो जो शॉपिंग करेंगे दिखाएंगे, चलो जल्दी चलते हैं। तो गाइस हम लोग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, ऑटो में बैठ चुके हैं, ये रहे सादिक, आगे जीजू बैठे हैं, और कोई लेडीज आ गई तो सादिक को भी वो लोग आगे बैठा देंगे। मेरी इतनी लहर क्यों रही है झूल पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइस मेट्रो स्टेशन पे हम आ गए हैं, अब ले रहे हैं आप अपना टोकन, और हम इतने हंसते हुए आए ना चारों, इतने हंसते हुए आए कि सादिक और मुझे दोनों को सुस्सू आने लगा बहुत जोर से। हम इतने कंट्रोल करने वाले हैं ना कि हम करते ही नहीं, हम बड़े हरामी बच्चे हैं। अभी ले तो रहे हैं टिकट, फिर जल्दी जल्दी जाएंगे या जितनी जल्दी जाएंगे ना उतनी जल्दी लेते हैं, पर हम कसम से बहुत ज़्यादा लेट हो गए। हो गया टिकट आई कहाँ अभी? 4 गाइस हम अपनी मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं, पर मेट्रो का हम इंतज़ार नहीं, हमें मेट्रो का इंतज़ार नहीं, बस हमारी मस्ती की चल रही है कि मस्ती चल रुकनी नहीं चाहिए हमारी। तो गाइस हमने अपनी मेट्रो ले ली है, अब 1 घंटे तक बैठे हो रहे उसमें भूत बन के। सादिक हमसे अलग हो गए, सादिक सामने बैठा, हम तीनों एक ही जगह आ गए, कोई नहीं उसे भी बुला लेंगे। हाँ भी जाएगा ना, एक भैया चले जाएंगे ना तो उसको घुसा लूँगा मैं तो सादिक को अपने पास। पता नहीं कौन सा सदम है मेरा भाई यार, समझ नहीं आ रहा। हमें देर हो गई ना, मतलब हमें बैठे हुए बहुत देर हो गई ना, तो दोनों का पबजी चालू हो गया, दोनों पबजी खेलने में लग गए। ये चलो टाइम पास ऐसे हो जाए, घर पे तो छोड़ते नहीं, तो यहाँ पे भी कैसे छोड़ सकते हैं, सही है लगे रहे। गाइस हम लोग ना पहुँच चुके हैं सरोजनी नगर, अल्लाह मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं हो रही बिल्कुल भी, एक बता इतने सालों बाद 8 बजे रात के, मतलब सुबह के 8 बजे इतने टाइम बाद उठाओ ना, तो वैसे ही मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इतनी जल्दी कैसे उठ गया मैं, होता है। पर्ची आ दो, मैंने इनको हार्ट अटैक दे दिया, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ है। फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल तक पहुँच गए। सब ना हर चीज़ पैसे बैग्स मतलब फ़ोन वगैरह सब मेरे इसी बैग में है, ठीक है। तो वो मुझे एक ही बात बोल रहे हैं, मैंने कहा मेरे पास ही, अगर मेरे से गया ना तो शादी करा तू गया, मतलब तू गई अगर कुछ हो गया। बहुत तो गए भाई, बहुत भीड़ है, ये भी शुगर बनाओ कि आज इतनी भीड़ नहीं है, हमेशा इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। क्या पोस्टर चाहिए थे डेकोरेट करने वाले? देखो गाइस इतनी भीड़ है नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सरोजनी नगर, अब बहुत सारी करेंगे शॉपिंग। हाँ प्यारा लग रहा है ब्लैक कलर, ये कलर तो तू कहीं रहा था देखने के लिए, ये देख ले, ये ब्लैक ब्लैक भी बहुत प्यारा लगेगा, ये पीछे वाला कलर भी ग्रीन। हाँ ग्रीन भी प्यारा लग रहा है। हाँ ये ना पूरा पेयर बन जाएगा ना, ब्लैक और वाइट का प्यारा लगेगा। टी शर्ट देख लो साइज एक बार। हाँ ये प्यारा लग रहा है। जो भी कुछ हम ले रहे हैं ना मैं घर पे दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अभी तो हम ले रहे हैं बस, खरीदते जा रहे। ओके गाइस हमने ये लिया है अमृत स्टार फ्रूट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट गलती से ना मैंने थोड़ा येल्लो सा ले लिया, मुझे ना ग्रीन लेना चाहिए था, एकदम खट्टा वाला मज़ा आ जाता, मज़ा की फिर ले लेंगे। हाँ अभी ले लेंगे, अभी हमने खाया ही किया, अभी खाएंगे। हाँ हाँ शर्ट तो मैंने बोला, शर्ट तो लेना है। हाँ ये भी बहुत प्यारा लगेगा। हाँ वो व्हाइट वाला, वो क्रीम, हाँ वो बहुत प्यारा लग रहा है। ये साइज चलेगा ना, तो देखो पीछे लगा, बहुत लंबा लग रहा है, ये तो बड़ा है। हाँ सही है, प्यारा कलर भी प्यारा लग रहा है।
सही तो है। किस दे रहे हैं आपके सामने? पुराने हैं। नहीं नहीं अच्छा है, सॉफ्ट भी है कपड़ा। कलर भी सही है। हाँ तो उसमें सूट करेगा, ग्रीन वाला। कुछ और ले लेंगे उस कलर में। तेरे पे खिलेगा? हाँ नहीं, ये कलर भी खिलेगा, ये कलर भी, दोनों खिलेंगे। हाँ ये ले ले। हाँ हाँ हाँ, अभी ना हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, सामान हमने काफी सारा ले लिया, बस अब थोड़ा सा रेस्ट लिया शादी को, और हम सब आइसक्रीम खाएंगे। हमारी आइसक्रीम गाइस आ चुकी है, टेस्टी टेस्टी, अम्मी अम्मी खाओ इसे। तो कितनी ज्यादा टेस्ट लग रही है, इतनी ठंड लग रही थी सुबह, और अब ठंडी नहीं लग रही, अब तो गर्मी लग रही है। अब ऐसे चलना सीधा, देख लो क्या खाना है, छोले कुलचे या कुछ और देख क्या मिला है। गाइस इतने वाहियात छोले कुलचे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पता है पैसा वेस्ट है, पता है इससे अच्छा तो लोकल वैसे ले लो ना, तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज ना हमारा लक बहुत ख़राब है, MCD वाले बार 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 आ रहे हैं, बार बार सब कुछ मार्केट में हटा रहे हैं, सब हटाने लगे सामान। वैसे सही है, पता है बता के तो हटा रहे हैं, वैसे तो पता है हटा के भी सारा सामान ले भी जाते हैं। अरे बता के तो हटवा रहे हैं कि हटा ले हटा ले, कम से कम ये तो कर रहे हैं, बिना बताए भी ले जाते हैं, भर ले। हमारे तो बिना बताए आते हैं, भर के ले जाते हैं। चलो कम से कम यार बोल तो रहे कि अंदर कर ले सामान, वरना ले जाएंगे। अरे हमारे साइड नहीं लगता बाजार में, देख लो उस गली में, देखना है तो उस गली में चल रहे हैं। चलो यार हाँ देख लो, जहाँ दिख रहा है ना वहाँ देख लो। MCD वाले आ गए थे, अब चले गए हैं, तो अब सबकी शॉप दोबारा से लगने लगी है। अब सादिक अपने लिए ना टी शर्ट देख रहा है, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे भी। यार देख ले, ब्लैक भी बहुत प्यारी लग रही है, वाइट भी अपनी जगह, दोनों बहुत प्यारी लग रही है। नहीं बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, अब देख ले तू, बता तू बता कौन सी सही लग रही है। व्हाइट लगा देख ना, देख ब्लैक ही है। तो दोनों भी ठीक लगे, नहीं दोनों कलर ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो पसंद है वो ले लो, एक ऐसे दे ले, और वो ऑलिव वाली जरूर ले लो। तो कौन से ले? कौन से वो फुल स्लीव्स की थी ना, जो अभी छोड़ी थी हमने, अभी क्या काम कर। हाँ अच्छा लग रहा है, पैराशूट है ना, पैराशूट। हाँ एक बार देख ले, लगा के देख कितना आ रहा है। सही तो आ रहा है। हाँ सही तो है, नहीं अच्छा भी है। अर्ज भाई आप भी देख लो, अच्छी लग रही है, बहुत खिल रहा है कलर, सही ले लो ना एक कपड़ा। तो नहीं कपड़ा तो नहीं, नहीं ये कौन सा साइज है, स्मॉल? ये एल है, एल है। हाँ इसके, अरे हैंगर से नाप दो, इतना ऊपर जा रहा है, ऊपर ही लगाना पड़ता है। मैं दिखा रहा हूं, लगाओ यार। मैं क्या लार्ज है, कहो एक्सेल दे दी, एक्सेल नहीं नहीं भैया, एक्सेल मैं एक्सेल देख रहा हूं, एक्सेल नहीं अंकल होता वैसे। लेंथ का कोई नहीं है, वो बहुत ज्यादा ढीली ढीली रह जाती है। लेंथ देख कितनी आ रही है, लूज ये फिटिंग की है, दूसरा ले जाओगे एक्सेल लूज हो जाएगा। हल्का है, लूज है, परफेक्ट साइज आएगा, लूज है, ये लूज है, लूज ले ले, फिट आएगा बहुत। थोड़ा सा तू हेल्दी हो गया तो फिर ज्यादा लूज हो जाएगा। एक्सेल ले ले, ये बहुत चिपकी चिपकी लग रही है। भाई दो बार ना मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं, और तभी भी एग्जिट करा हुआ है, बाहर ही खड़े हुए हैं कुछ खाने के लिए। अभी आप भी अजमेर भी गए हुए हैं, मैं तो अकेला खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, कुछ खाने के लिए लेके गए हैं, कब से मैं खा ही रहा हूँ। मैं अभी शॉप पे लेके आ गई, गर्म है। हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट किया, अभी खाया पिया थोड़ा बहुत, और अभी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी और मिल जाएगी ना हम लोगों को, इस वजह से हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। ऐसे तो हम चलते रहेंगे, क्योंकि सुबह से हम चल ही रहे हैं, और टाइम अभी पता है 4:07 हो चुके हैं, हम सुबह से के आए हुए हैं यहाँ पे, इस वजह से तो थोड़ा हमने रेस्ट किया है, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। देन उसके बाद थोड़ा बहुत और शॉपिंग करेंगे, घर जाएंगे, घर पे जाके आपको सब कुछ दिखाएंगे कि हमने क्या क्या खरीदा, मज़ा आ गया आज। अब तीसरी बार मार्केट पे हम विज़िट कर रहे हैं, अब और सामान लेने जा रहे हैं, जो और दिल कर रहा है, लाला चाहता जा रहा है, सामान बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग ना यहाँ पे की चैन देख रहे हैं, इन्नू के लिए भी ले रहे हैं, और शादी के लिए भी, शादी कह रहा है ले रहा हूँ मैं, इनायत के लिए भी। मैंने कहा की चैन छोड़ के इनायत के लिए कुछ और देख ले, तो कह रहा मैं भी देखता हूँ, पर अभी अपने लिए देख रहा है, उसका फेवरेट स्पाइडर मैन। कितने का ये फ्लावर पॉट? 250। इतना छोटू सा तो है, अभी इतना महंगा बताओ, इतना छोटू सा। हाँ गाइस हम इतनी सारी शॉपिंग करते करते थके, तो हमने यहाँ पे भेलपुरी ली है, और अभी जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए, खा के देख कैसी लग रही है। 3 hours later गाइस हमने पूरा प्रॉपर मार्केट से ना हमने एग्जिट कर लिया है, अभी मेट्रो स्टेशन पे हैं हम, और सरोजनी नगर के बिल्कुल जस्ट सामने ही होता है मेट्रो स्टेशन, तो वहीं पे अभी टिकट लेने गए हुए हैं। अर्श भाई लेके आएंगे, फिर हम घर जाएंगे, पहले मैं भी शॉपिंग के घर जाएंगे, ट्रायल लेंगे कपड़ों का कैसा कैसा, फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या लेके आए। ऐसे तो ना 100 में जैसे वो बहुत गंदे से लग रहे हैं क्या कपड़े, अरे बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं,
कोई तो मतलब ऐसा होता है कि बहन हाथ इतने लगते हैं लोगों के, इतने हाथ लगते हैं, गंदे होते हैं धूल मिट्टी में, वो तो गाइस बस हम लोग पहुंचने वाले हैं मेट्रो स्टेशन, सब एग्जिट ले रहे हैं हम, बस हो गया हमारा काम और हम लोग पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी देर और लगेगी। रिक्शा ले लिया है हमने और अब जा रहे हैं हम अपने घर, मतलब मैं भी शापी के घर जा रहे हैं जो मेन लोकेशन है वहाँ पे पहुँच रहे हैं अप्पी के, अब मैं घर पे मिलूंगी गाइस, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और आए हुए हमें थोड़ी देर भी हो चुकी है और हमें अभी मोमोज भी खाए, थोड़ी सी पेट पूजा करी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। हमने वहाँ पे इतना खाया और इतना चले ना, जब तो इतना फील नहीं हुआ बट अब घर आके बहुत ज़्यादा फील होने लगा। और बहुत सारे कपड़े भी हमने खरीदे और अभी सादिक ने जो कपड़े लिए उसने ट्रायल करके देखा, अल्लाह इतना सुंदर, ये नहीं कि मेरा भाई है तो मैं बोल रहा हूँ तारीफ कर रहा हूँ, कसम से इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, मैं बोलो पक्का कोई ना कोई लड़की देखे तुझ पर लाइन मारेगी भाई, इतना माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना। बट अभी हम कपड़े कर रहे हैं पैक सादिक के सबके, क्योंकि अभी मुझे अभी जाना है ना, मतलब अब सादिक और मैं घर चले जाएंगे, अब हम रुकेंगे तो नहीं यार, अब भी रुकाएगी, मुझे पता है उसको वीडियोज़ वगैरह बनाने पर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं रुक सकूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम है, इतना काम है, इतना काम दे रहा है ना अल्लाह, इतना रिस्क दे रहा है कि बस मैं क्या बताऊँ अल्लाह के शुक्र से, तो उस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं। और घर में आपको पता है शादी आ रही है हमारे, तो उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा काम बढ़ गया। और गाइस पता है मुझे जितना पॉसिबल हुआ ना मैंने सरोजनी में वीडियो बनाई है, और उसके पता है इतनी मतलब वहाँ पर वीडियोज़ बनाने देते भी नहीं और हम इतनी शॉपिंग में इतना ज़्यादा बिजी थे कि पता है बनाई भी नहीं जाती, इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड हो रहा था। और उसके बाद ना हम गए थे H&M, वहाँ से H&M से भी हमने शॉपिंग करी है, सादिक ने स्पेशल H&M से शॉपिंग करी है, उसने ये टी शर्ट लिया H&M से, जो पहली बार जब नज़र पड़ी ना हमारी इतनी पसंद आई इतनी, और जब सादिक ने ये पहनी है ना लव भी किया गजब की रही है H&M से, एक सादिक ने ये ली है और एक H&M से एक और चीज़ ली है ना, हाँ H&M से इसने दो चीज़ें ली हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और वो आपको अब बहुत जल्दी देखने को मिलेगी शादी के व्लॉग्स वगैरह में भी, और बहुत सारा सामान खरीदा है हम लोगों ने। तो गाइज अब मैं और सादिक जा रहे हैं घर पे और अभी चलते हैं जल्दी से, बहुत सारा थैला पूरा भरा हुआ है, ठीक है जी अभी। और हाँ मैं अभी शॉपिंग भिजवा दियो जो कपड़े लेके आए ना आज भिजवा दिए, क्योंकि पता है इतना सारा बैग हो रहा है ना पूरा भरा पड़ा है तो लेके जाने की हिम्मत नहीं है, बट अभी हम चलते हैं, ठीक है घर पे मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मुझे तो पता है लड़ेगी तो है ही ना यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़े ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाँ अब बताओ इधर आओ, बुखार है हाँ मेरा बच्चा, पीली कड़वी दवाई पीली, हाँ? देखो पीले से तो इतने स्ट्रांग बनते हैं बेटा, शाबाश तू मेरा शेर बेटा है पता है। फोन दिया सच्ची कस्टमर का ये, अच्छा कस्टमर का तुम्हें फोन दे दिया ये चेक करने के लिए कि ये फोन सही है या खराब। चलो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं आपको मिलता हूँ, थोड़ा होश में आ जाओ, थोड़ा सांस ले लूँ, ओके फ्रेश होके मिलते हैं। आग बंद करो, ओ ये तो मैचिंग, खोलो देख, वाओ चाचू को थैंक यू तो क्या दे, दो दो है दो दो, और थैंक यू कौन बोलेगा चाचू का, थैंक यू तो बोल दे, और शर्म आएगी हम कैसे बोलेगी थैंक यू, अब तो चलो अब तो देखो 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 दिखा तो दे अभी गाइस को, तो दिखाओ गाइस चाचू लाए, बोल दे मुंह पे, अब तो नहीं अब तभी शर्म आएगी चाचू लेके जो आया है बेटे के लिए। गाइस सादिक ने केनात के लिए ये लिया है और एक ये लिया है, ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, सेम बताओ लग रहा है नहीं लग रहा है, सेम उसी के जैसा। अब पता है स्पाइडरमैन का इतना देखा ना मिला नहीं, क्योंकि सादिक को ना स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, ये मिला है 100 रुपीज का और इन्नो वाला भी है 100 रुपीज का मिला है। गाइस अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, अम्मी ने बनाया है चने का साग, वो भी इसके अंदर नॉनवेज ऐड किया जो मुझे बहुत पसंद है। और गाइस ये मक्के की रोटी ना भाभी बना रही है, बहुत टेस्टी लग रही है बहुत ज़्यादा, मेरा बच्चा अल्लाह ठीक कर देगा मेरे बेटे को जल्दी से। और पता है जब सुबह हम गए ना मार्केट के लिए तो अम्मी ने सुबह जल्दी बना दिया था, रात में पूरी तैयारी करती थी, सुबह मैं ऐड गोश्त वगैरह ऐड करके बनाया क्योंकि मैं शाबी को भी दिया था, तो मैं सुबह भी बहुत सारा खा के गया था क्योंकि मेरे को लगा कि आके क्या पता मुझे मिले ना मिले, पर मिल गया। चलो मैं खाना खाता हूँ, मक्के की रोटी चने का साग मेरी फेवरेट, जल्दी से।
सो या गाइस, अब मैं अच्छे से फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ और अब मैं दिखाती हूँ कि हम वहाँ से क्या क्या लेके आए। तो मैं दिखाती हूँ जो मैं और महवी शापी लेके आए, मतलब मैं ज्यादा कपड़े लेके आई हूँ अपने भी, 3 शर्ट लेके आई हूँ और 2 पैंट लेके आई हूँ बेल बॉटम। तो वो मैंने महवी शापी के घर पे छुड़वा दिया है, ठीक है, क्योंकि सामान इतना सारा हो गया था। मेरा पहले का सामान भी मैं लेके आई हूँ, तो वो जब अभी जाऊँगा मैं आपके घर, अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बट वो सारे ना समर्स के ही हैं, विंटर्स का कुछ भी नहीं है उसमें। तो मैं दिखा दूँ, सादिक एक ये लेके आया है एडिडास की टी शर्ट, ठीक है, व्हाइट कलर की, जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और इसके साथ हमने कॉट सेट बना दिया पूरा इसका, ये जो थे ना शॉर्ट्स, ये लिए एडिडास की शॉर्ट्स लिए। बहुत जल्दी जल्दी हॉल दिखा रहा हूँ। और एडिडास का ये लोअर लिया है, ये लोअर और ये टी शर्ट इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना साथ में, इतनी ज्यादा, बस मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये वाला कॉट सेट तो। और इसके साथ तो एक अलग ही वाली वाइब आ रही है, पर इसके साथ तो एक अलग ही हिट कर रहा है। और ये ली थी सादिक ने H&M से, ये पैंट H&M से, ये ब्लैक पैंट लिए भाई इसके साथ, ठीक है, ये ब्लैक पैंट लिए। अभी एक चीज और मैं दिखा दूं, और ये लिए H&M से सादिक ने टी शर्ट ये वाली, इसके साथ इतना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो कोरियन वाली वाइब आ रही है। सादिक एक तो हमारा इतना ना हाइट है उसकी, माशाल्लाह से इतनी अच्छी, और ऊपर से इसको पहनने के बाद और हाइट लग रही है। उसका हेयर स्टाइल, जो हेयर कट है ना, वो भी कोरियन वाला है, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा प्यारा। और उसके बाद सादिक ने ये नाइकी का एक ये लोअर लिया है, जो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसका जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा बहुत मस्त है। और एक लिया है ये नाइकी का अगेन एक लोअर, जो इसका भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, घर में सबको पसंद है, डैडी भी बोल रहे कि मेरे को भी अब ला के देना तो नेक्स्ट टाइम। और उसके बाद जो सादिक ने लिए, ये मेरी फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये कलर, ये क्रीम सा और ब्राउनी टाइप का जो कलर है, मुझे बहुत पसंद आया। और सादिक ने लिए ये स्वेट शर्ट ली है सादिक ने, कि ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। और मैंने सादिक को बोला था मतलब इसी कलर में, थोड़ा सा डार्क कलर में ना शर्ट ले ले, बट उसने शर्ट नहीं ली, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वीडियो में मैंने बहुत बार बोला मुझे अच्छी लग रही है, पर वो ली नहीं, कह रहा था मैं अभी कुछ दिन बाद जाके मैं लेके आ जाऊँगा। और अभी तो उसको शूज़ वगैरह भी लेके आने, नाइकी के शूज़ लेके आएगा, जॉर्डन वगैरह के भी शूज़ लाने के लिए वो कह रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। और एक सादिक ने ये ली है टी शर्ट, जो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसका प्रिंट देख लो सामने से और पीछे से, इसका प्रिंट बड़ा ही खतरनाक है, बट हाँ पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। तो गाइज ये है सादिक की आज की खूब सारी शॉपिंग, जो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बिल्कुल डिसेंट कपड़े। और जो H&M की पैंट और टी शर्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब मुझे सब पसंद आया, जो उसकी वाइब है ना वो एक अलग ही हिट कर रहा है। और उसके पहना, जब उसने अभी तो ऐसे ही पहना था, इतना अच्छा लगता, उस दिन जब ये अच्छे से शादी में रेडी शेडी होके पहनेगा तो सोचो कितना मस्त लगेगा। और मैं जो बताऊँ, सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े जो है वो है ये H&M के, ये H&M की टी शर्ट और H&M की पैंट सबसे ज़्यादा महंगी है गाइस। तो इसका जो प्राइस है मैं बताती हूँ, टी शर्ट है 1500 की और जो पैंट है वो है 2000 की, ठीक है। और ये सब जो आए, ये सब बहुत बजट में आए, ये भी बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया, लाइक 300, 250, 350 इसमें ही आराम से, मतलब सरोजनी में बहुत अच्छे से मिल जाता है। बट ये सबसे ज़्यादा महंगा है, 2000 की पैंट और 1500 की टी शर्ट है। और सबसे ज़्यादा इसकी ही वाइब बहुत प्यारी आ रही है, मतलब ये कि कहते ना कि सरोजनी में लड़कों का कुछ नहीं मिलता, लड़कों का सब मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था इतना जितना अब मिलने लगा है। बस हाँ लड़कों के लिए ना थोड़ी पैंट वगैरह का इशू रहता है वहाँ पे, तो आप बहुत अच्छे से देखना, वहाँ के लोग ना लड़कियों की पैंट लड़कों को चिपका देंगे, तो बहुत ध्यान से करना ये वहाँ पे। आज वो हमारे साथ कुछ ऐसा ही कर रहे थे, लड़की की पैंट वो हमें पकड़ा रहे थे, इसलिए हम H&M गए कि H&M से लेके आते हैं यार कपड़े। ऑफकोर्स मेरा भाई कमाता है तो हक है उसका लेने का। अब मैं जा रही हूँ गाइस इस व्लॉग को यहाँ एंड करने के लिए। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मत भूलना आईडी स्क्रीन पे शो रही होगी, मुझे जरूर फॉलो करना। और गाइज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। सो या बाय गाइज, लव यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।